हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी बढ़िया ही होंगे और मजा कर रहे होंगे। तो आज का हमारे ब्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो भोलेपुर का ब्रिज बनाया नया, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम वहीं जाएंगे और आपको एक्सप्लोर कराएंगे कैसा है क्या है। तो चलिए बिना किसी तरीके इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। तो गाइस फाइनली अब जो है हम निकल गए हैं घर से और अभी हम जो है लाल सराया है हमारे वहाँ का, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी हमारे वहाँ दीपावली की जो है बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो पहले हम एक नज़ारा आपको जो है दीपावली की जो मार्केटिंग है वो दिखा देते हैं। और लाल सराय की ये टंकी है, बहुत बड़ी टंकी है हमारे फरुखाबाद की। ये देखिए यहाँ पर मुरमुरे वगैरह बिक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यार एक चीज़ और है, जो दिए रहते हैं मिट्टी के वो भी बिक रहे हैं। और फाइनली अब जो है हम फव्वारे के पास आ चुके हैं, जो कि हमारे रोडवेज के पास में ही है। जस्ट ये फव्वारा जो है हमारे रोडवेज के जस्ट बगल का एरिया आएगा। तो एक नज़ारा अब हम आपको आगे चल के दिखाते हैं रोडवेज का। तो ये देखिए फाइनली ये हमारे फरुखाबाद का रोडवेज है। तो इसी रोड से हम जो है जा रहे हैं, यहाँ से सीधा रोड गया है जो भोलेपुर का, जो हमारे वहाँ का पुल है, मैंने आपको वो पहले ही दिखा दिया। और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ जाने वाले हैं हम। तो अब हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं रोडवेज से। और ये देखिए थोड़ा ट्रैफिक स्लो है यहाँ पर। तो फाइनली अब जो है हम हिंदुस्तान होटल के पास में आ गए हैं। ये जो आवास विकास का एरिया कहलाता है, जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं वो हिंदुस्तान होटल है, और लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हैं वो सिटी हॉस्पिटल है। काफ़ी फेमस हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर। तो ये आवास विकास के पास का एरिया है जो आप देख रहे हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में का होटल है, और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये माया हॉस्पिटल है। तो जस्ट फाइनली हमने दोनों चीज़ों को क्रॉस कर दिया है। ये चौराहा है, आवास विकास चौराहा इसको कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, जहाँ पर अभी हम आवास विकास के जिस एरिया में मौजूद हैं, ये क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के बाहर का एरिया है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये शाम के लिए बहुत अच्छा रह सकता है आपके। यहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं आपके लिए, ये आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अभी आपको इशारा किया, तो यहाँ पर एक कुल्लड़ वाली चाय बिकती है, तंदूरी चाय। तो यार मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तंदूरी चाय भी यहाँ पर है मौजूद। तो अगली बार मैं आपको अगले नेक्स्ट अपने ब्लॉग में जो है तंदूरी चाय भी दिखाने वाला हूँ, कैसा क्या होता है वो भी, उस पर भी मैं एक ब्लॉग बना दूंगा। तो अभी जो एंजॉय कर रहे हैं आप, ये हमारा भोलेपुर के ब्रिज वाला है ब्लॉग, जहाँ के अभी हम आपको लेके चल रहे हैं भोलेपुर का ब्रिज। एक ब्रिज पहले पड़ता है वो बना हुआ है, और एक उसके आगे और नया बना है रिसेंटली, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा काम चल रहा है, वो सब दिखाएंगे आपको कैसा है क्या है वहाँ का। तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें अपना प्यार वाला, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये पहले का है हमारा, भोलेपुर वाला पुल इसको कहते हैं। तो ये पहले का है, और जो नया बना है वो आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले हम उसको नीचे से एक्सप्लोर करा देंगे आपको, फिर उसके बाद में उस पुल के ऊपर भी आपको लेके चलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग, तो ब्लॉग पे बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और कुछ ही दूरी पर अभी हम हैं, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से रह गया, बस जस्ट 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बस फाइनली हम पहुँच जाएंगे फिर पुल पे। पूरा पुल आपको एक्सप्लोर कराएंगे, कैसा क्या वहाँ से व्यू आता है, दोनों ही तरफ का व्यू आपको दिखाएंगे, भोलेपुर का भी व्यू दिखाएंगे, और जो रेलवे स्टेशन है उसके अपोजिट साइड वो रेलवे स्टेशन भी ऊपर चल के आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ एवरीथिंग आपको वहाँ से एक्सप्लोर कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक किसी ने आपको यहाँ से कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कराया होगा, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो कि आपको इस पुल के ऊपर से देखने को मिलेगा। आप फाइनली देख सकते हैं हमारे सामने जो दिख रहा है, यही वो ब्रिज है जिसके के ऊपर हम जाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो इसी पुल के ऊपर अब हम चलने वाले हैं, तो पहले हम इधर से चलेंगे। ये देखिए पुल है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो सब एक्सप्लोर कराएंगे आपको ऊपर चलने के बाद में। और यहाँ इस पुल के नीचे ये मार्केट लगी रहती है, जहाँ आपको सारी तरह की जो है आपको फल वगैरह मिल जाते हैं, सब्जी वगैरह मिल जाती है, तो ये सब कुछ आपको इस पुल के नीचे मिल जाता है। ये भोलेपुर का पुल कहलाता है, और भोलेपुर फतेहगढ़ के स्टेशन के बगल का एरिया है ये, लेकिन भोलेपुर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये। तो अब हम इधर चल रहे हैं, और इसका पुल का स्टार्टिंग देखते हैं कहाँ पर से है, तो फिर हम जो है पुल की तरफ चलेंगे। तो अभी हम पुल के पास चलते हैं और देखते हैं। तो जस्ट पुल के बगल में ही है, आप देख सकते हैं हमारे।
तो आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी फतेहगढ़ में भी काफ़ी सारी जो है दिवाली की दुकानें लगी हैं, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में। तो अब हम जो है आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है क्या यहाँ का व्यू। तो अभी आप देख सकते हैं पुल बिल्कुल जस्ट बिल्कुल मैं पुल के स्टार्टिंग के बगल में आ चुका हूँ, तो यहीं से ऊपर की तरफ चढ़ना है हमें। तो हम जो है पहले बाइक को यहाँ तो गाइस ये देखिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और फाइनली अब हम आपको लेके आ चुके हैं। भोलेपुर का जो नया वाला पुल है उस पुल के ऊपर हैं हम, आप देख सकते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं ये एरिया ये भोलेपुर वाले पुल का ही है जो कि नया बना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका काम चल रहा है। आपको दिखा देता हूँ पीछे वो मलबा पड़ा हुआ है जहाँ से हमने ऊपर चढ़े थे। तो अब हम ऊपर आ गए हैं और वहाँ पर एक बार पास में चलते हैं, वहाँ से आपका व्यू दिखाते हैं। तो सीधा आपको यहाँ से वहाँ पर लेकर के चलते हैं पुल के पास। ये देखिए अमेजिंग सा व्यू, अभी हम उस पुल के ऊपर हैं, ये पुल के नीचे का एरिया दिखा रहे हैं आपको। और तो फाइनली अब हम जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमारी जो रेलवे स्टेशन है वो ये है, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल नज़दीक में ही है। जस्ट रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर से ही ये पुल ऊपर की तरफ चढ़ा है जो कि जिस पुल के ऊपर हम हैं। तो ये चीज़ है और ये देखिए यहाँ पर अभी गाड़ियों की आना जाना चालू नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली पूरी तरीके से ये पुल जो है इस एरिए का बन चुका है और इसकी फिनिशिंग बाकी है, केवल बाकी सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, केवल इसकी फिनिशिंग रह गई है। फिनिशिंग के बाद ये जो है पूरी तरह से अलाउ कर दिया जाएगा सबको, फिर आने जाने में जो है थोड़ा आराम हो जाएगी लोगों को, जो लोगों को जैसे कि इरीटेट होता है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जो क्रॉसिंग, ये देखिए भोलेपुर की क्रॉसिंग है, ये आप देख पा रहे हैं जिसकी वजह से हमेशा जाम लग जाता था, तो उस जाम की किल्लत से अब जो है छुट्टी मिलने वाली है। अब आपको किसी भी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली आप जो रोड को क्रॉस कर लेंगे, कोई भी ट्रेन या कोई भी मालगाड़ी निकले तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आराम से अब जो है अब किसी टाइम पे भी आएंगे आप आराम से जो है जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कोई ट्रेन का आना जाना रहता था तो उस वजह से जो है बंद हो जाता था आने जाने की वजह से, तो क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी लंबे जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आपको उस चीज़ से भी छुटकारा मिलने वाला है। इजीली आप जो है कहीं से भी अब जो है कहीं के लिए आराम से जो है इस पुल के ज़रिए जो है क्रॉसिंग को पार कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है अपने आप में और मैं सलाह करता हूँ उनकी जिन्होंने इसमें इस कार्य में जो है हिस्सा लिया और जिन्होंने इसमें इतना अच्छी तरीके से इसको बनवाया। मैं फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, जो भी अच्छा काम होता है उसकी भाई जो है तारीफ़ करना चाहिए और मैं करता हूँ उस चीज़ की तारीफ़, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। और पॉलिटिक्स में तो मुझे इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जिसने भी ये काम करा उसका मैं दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा पुल हमें दिया उन्होंने। और बस थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और जिनकी भी मेहनत है, जिन मजदूरों ने काम किया उनके लिए भी थैंक यू कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें मेहनत करके काम किया होगा, दिन को दिन नहीं समझा होगा, रात को रात नहीं समझा होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ कैसा आएगा, तो चलिए मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए अभी मैं पुल के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और ये इस तरीके का है कुछ, ये देखिए। तो पहले मैं आपको भोलेपुर तरफ का एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये रहा जो हमारे भोलेपुर का जो रास्ता आएगा जो कि हमेशा जाम से पीड़ित रहता था प्रभावित रहता था, तो ये भोलेपुर है। और अब स्टेशन की तरफ एक बार एरिया दिखाता हूँ आपको, चलिए। तो ये देखिए हमारा स्टेशन का एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, ये फतेहगढ़ स्टेशन का एरिया है। तो गाइज ये देखिए ये हमारे स्टेशन का एरिया है जो अभी आप देख पा रहे हैं, एक बार पास करके आपको दिखाता हूँ स्टेशन को। ये देखिए ये फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन है, तो ये फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन है और हम इस भोलेपुर वाले पुल के ऊपर आज ज़िंदगी में अपनी अक्खा लाइफ में पहली बार आए इस पुल पे, और शायद ही कुछ लोग अभी आए भी ना हों जिन्हें कि ये पता नहीं है अभी ये पुल चालू ही नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए हैं और आप लोग को यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। तो बस इस ब्रिज पर आने का मतलब यही था कि आपको एक्सप्लोर करा पाएँ कैसा है क्या है। तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कैसा लगा आपको ये पुल,
और भोलेपुर वाला पुल कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारे ब्लॉग नहीं अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कंटेंट की राय दे सकते हैं, लेकिन यार ब्लॉग को देखा करो, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए ही तो करता हूँ, किसके लिए करता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल पे जाया करो और वीडियो को जो है देखा करो, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो उस पर अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय को छोड़ा करो, ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिले और मुझे पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है। तो बस, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।